इंसान के उम्र के बारे में एक शोध में यह पाया गया है कि आज इंसान की उम्र करीब 200 साल की हो सकती थी। ये दावा एक अध्ययन में किया गया है जिसमें कहा गया है कि विकास क्रम में अनुवांशिकी में ऐसे बदलाव हुए जिनसे इस जानवरों के लंबे जी पाने के गुण पर खासा असर पड़ा। शोधकर्ताओं ने इसके पीछे 6 करोड़ साल पुराने जानवर को जिम्मेदार बताया है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की उम्र पहले ही बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन कुछ अनुवांशिकी बदलावों के कारण नतीजा ये हुआ कि आज का इंसान 100 साल की उम्र भी बहुत ही मुश्किल से पूरी कर पाता है, वरना वह 200 साल तक आराम से जी सकता था। बायोएसे में प्रकाशित अनोखे शोध ने के नतीजों के अनुसार ऐसा ही हुआ था, और इसके लिए 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर थे। इंसानों की उम्र ढलती है तेज पर क्यों? अध्ययन में यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जोआओ पेड्रो डी मगालेश ने सुझाया है कि यदि डायनासोर नहीं होते तो इंसान का जीवन 200 साल लंबा हो सकता था। उनके मुताबिक इंसान जैसे स्तनपायी जीव कितनी जल्दी बड़े होकर खत्म हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरीसृप और उभयचर की उम्र की प्रक्रियाओं का अंतर साफ तौर पर यही जाहिर करता है डायनासोर किस तरह से जिम्मेदार। मगालेश कहते हैं कि यह विसंगति इस वजह से हो सकती है क्योंकि डायनासोर करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे, जो कि स्तनपायी जानवरों के इतिहास में बहुत ही अहम दौर था। इसके लिए उन्होंने लॉन्गेविटी बॉटलनेक की अवधारणा दी, जो इस बात की व्याख्या करती है कि जब डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे तब स्तनपायी जीवों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी हो गया था कि वे जल्दी जल्दी प्रजनन करें। खत्म होते चले लंबे जीवन के जीन्स डायनासोर के कारण स्तनपायी जानवरों के जल्दी प्रजनन करने के कारण विकास क्रम में उनके जीवन के लंबे जीवन काल के लिए जिम्मेदार जीन खत्म होते चले गए। कुछ शुरुआती स्तनपायी जानवर खाद्य श्रृंखला में निचले स्तर पर जीने के लिए विवश थे, और डायनासोर के युग में 10 करोड़ साल तक केवल तेज प्रजनन के जरिए अपना अस्तित्व बनाए रखने को मजबूर हो गए थे। खास तरह के एंजाइम गनवाए पूर्वजों ने, ये समय उद्भव काल के लिहाज से बहुत ही लंबा दबाव वाला समय था। मगालेश ने प्रस्तावित किया है कि इस पूरी प्रक्रिया का असर आज हम इंसानों पर पड़ा है कि हमारी उम्र कितने समय की हो सकती है। यूथेरियन स्तनपायी वंशावली के पुरातन पूर्वजों ने कुछ एंजाइम तब गवा दिए होंगे जब डायनासोर हुआ करते थे। यूवी विकिरण के प्रभाव में अंतर, इनमें ऐसे एंजाइम भी थे जो पराबैंगनी विकिरण से हमारी त्वचा को होने वाले नुकसान को ठीक कर सकते थे। वहीं कुछ स्तनपायी जानवर रात को जागने और भोजन तलाशने वाले हो गए थे, जिससे वे दिन में छिपकर रह सके। इसकी वजह से उनकी त्वचा में ठीक होने की क्षमता खत्म हो गई, जिसकी पूर्ति हम सनक्रीम से करते हैं। मगालेश का कहना है कि आज भी कई जानवरों में पराबैंगनी किरणों के असर पर शानदार सुधार दिखाई देता है। उम्र से संबंधित रोग और समस्याएं, ये केवल अवधारणा है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें से एक ये भी है कि स्तनपायी जानवरों में कैंसर का रोग ज्यादा होता है और इसकी वजह से तेजी से उनकी ढलती उम्र वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हम उम्र की यह गुत्थी सुलझा ले तो हमारे जीवन में घुटनों को दर्द कम रहेगा या बहुत जल्दी नहीं आएगा। मगालेश का कहना है कि इंसान और अन्य जानवरों की उम्र ढलने की प्रक्रिया वाली बॉटलनेक अवधारणा अन्वेषण के कई आयाम खोलने का काम करती है और उम्र संबंधी रोग के बारे में भी नई जानकारी देने वाली साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, ढलती उम्र की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले शोध कार्यों में भी आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है।